नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर में और आपके साथ मैं हूं महक। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज की खबर जो है वो है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में नई नई भाजपा की सरकार बनी है। अब सरकार बनते ही इनके नेता कैसा काम कर रहे हैं ये हम आपको आज की इस खबर में बताएंगे। कल भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे मेरठ में एक बीजेपी का मंत्री विपक्षी पार्टियों के पार्षदों को पीट रहा था। ऐसा ही कुछ हाल मध्य प्रदेश में भी हुआ है। बीजेपी के नेता अब नेता कम और गुंडे ज्यादा लग रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस कर्मियों को सूचना मिली थी कि कुछ शराबी लोग खुलेआम शराब पी रहे हैं। ये सूचना मिलने के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके से अनुज नाम के एक लड़के को पकड़ भी लिया था। तभी वहां पर बीजेपी का पूर्व पार्षद नाम है गुड्डू रत्नाकर पहुंचते हैं और पुलिस कर्मियों से बदसलूकी करते हैं। पूर्व पार्षद गुड्डू रत्नाकर एक पुलिस कर्मी से बदसलूकी करते हुए कहता है, तू दो कौड़ी का पुलिस वाला है, तुझे अभी इतने जूते लगाऊंगा। इतना ही नहीं, बीजेपी के पूर्व पार्षद वहां मौजूद एक लड़की पर दबाव बनाता है और कहता है कि वो ये बोले कि इन पुलिस कर्मियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। पूर्व पार्षद बार बार ये बोलने का लड़की पर दबाव बनाता है। इस पूरी घटना का वीडियो एक पुलिस वाले ने ही बनाया है और साथ ही सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पूर्व पार्षद और पुलिस वालों के बीच विवाद थाने तक पहुंचा, जहां फिर पकड़े गए युवक अनुज का मेडिकल करवाया गया, जिसके बाद उसे जाने दिया। वहीं इस मामले में एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह वर्धमान का बयान भी सामने आया है। एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह का कहना है कि पुलिस को सूचना मिली थी कुछ लोग खुलेआम शराब पी रहे हैं। सूचना पर पुलिस गई थी, एक को पकड़ भी लिया था, लेकिन वहां पूर्व पार्षद आ गए, उनका पुलिस कर्मियों से विवाद हुआ और मामला थाने तक पहुंचा। पकड़े गए अनुज का मेडिकल करवाकर उसे अभी छोड़ दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, इस मामले में बीजेपी के पूर्व पार्षद गुड्डू रत्नाकर ने भी सफाई दी है। गुड्डू रत्नाकर का कहना है कि उनकी पुलिस कर्मियों के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। पुलिस कर्मी अनुज के साथ मारपीट कर रहे थे और वो वहां पर पहुंच गए थे। इसके बाद मामला थाने पहुंचा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम अब किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों यहां एक सवाल है कि पूर्व पार्षद गुड्डू रत्नाकर जो कि एक लड़की पर दबाव बना रहा था कि वो ये बोले कि उसके साथ इन पुलिस वालों ने छेड़छाड़ की है, वो थाने जाकर चुप क्यों हो गया? अगर ये बात सच थी तो इसने थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? दोस्तों ये है बीजेपी के पूर्व पार्षद का हाल, जो कि अभी पार्षद भी नहीं है। अब आप ये सोचिए कि अगर ये पूर्व पार्षद का हाल है तो मौजूदा पार्षद विधायक और मंत्री का क्या हाल होगा? दोस्तों आप बीजेपी के पूर्व पार्षद का पुलिस वालों के साथ ऐसी बदसलूकी करने पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमें भी दे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को भी लाइक जरूर करके जाइएगा।